नमस्कार दोस्तों, अतुल राजस्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेश देवंदा। मुझे खुशी हुई दोस्तों कल के वीडियो को देखकर कि आपने मुझे लाइक किया। जहां भी कोई भी आपको कमी लगे, कल बच्चे बोल रहे थे कि लाइट आज बिल्कुल सही है, फिर भी जैसे कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स के नीचे आपका कमेंट्स कर दिया करो कि सर ये प्रॉब्लम है। मैंने कल भी कहा था कि दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और काफ़ी दोस्तों ने शेयर किया। मेरे तक मैसेज भी आ जाते हैं कि सर हमने किया, स्क्रीनशॉट भेज देते हैं। तो मुझे बच्चे पसंद कर रहे हैं, बच्चों की मांग थी कि सर आप पढ़ाओ, मैंने आपकी मांग पे किया है, लेकिन आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मुझे खुशी होती है। दोस्तों मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी, इतना तो बनता ही है। देखो कल दोस्तों मैंने लास्ट में आपको 5 क्वेश्चन दिए थे और आपके एक बच्चे के भी कमेंट्स नहीं आए। इसका मतलब या तो आपने पूरा वीडियो नहीं देखा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे और 5 क्वेश्चन एक का भी जवाब नहीं आया। इससे मैं ये समझता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखते ही नहीं हो। दोस्तों 20-25 मिनट का भी शुरुआत की है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता है, पूरा लास्ट तक देखना है अपने को। ऐसे नहीं कि वीडियो खोला, मेरी शक्ल देखी कि हाँ देवंदा सर पढ़ा रहे हैं, साहब बंद कर दो अब, ठीक है, ये नहीं। पूरा वीडियो देखेंगे, उसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट्स आने चाहिए कि सर इसका जवाब क्या है, फिर वो आपको जवाब मिलेगा। अगले वीडियो में फिर मैं आपको वो दे दूंगा। देखो कल क्वेश्चन लिखाए थे कि तांबे के पशुओं के अवशेष कहाँ से मिले, एक बच्चे का भी जवाब नहीं आया। गलत बात है दोस्तों, मैंने कल ही कहा था मेहनत करोगे तो राजस्थान जीके नंबर 1 हो जाएगा, मेहनत आप करोगे मेरे साथ। तो तांबे के पशुओं के अवशेष दोस्तों आपको लिखना है कालीबंगा से, कहाँ से मिले, कालीबंगा से मिले। अगला क्वेश्चन था दोहरी सुरक्षात्मक सभ्यता कौन सी है, इसके अवशेष कहां से मिले, कालीबंगा से मिले। दोस्तों दोहरी सुरक्षात्मक सभ्यता के अवशेष कहां से मिले, कालीबंगा से मिले। यूनानियों की मुद्रा के अवशेष कहां से मिले, क्वेश्चन लिखाया था मैंने, तो ये है बैराट में, कहां से मिले दोस्तों, बैराट से मिले। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये अधीनस्थ में आया था, और जब पहली बार आया तो किसी को पता ही नहीं चला कि क्वेश्चन कहां से बनकर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था तांबे के पशु हो गए, बाढ़ के अवशेष, एक क्वेश्चन लिखाया था मैंने बाढ़ के अवशेष कहां से मिले। तो दोस्तों बाढ़ के अवशेष मिले थे आहड़ सभ्यता से, कौन सी सभ्यता से, आहड़ सभ्यता से मिले। ऊंट दांत के अवशेष कहां से मिले, कल 5 ही लिखवाए थे। तो अगला था ऊंट दांत के अवशेष कहां से मिले, ये ईसवाल उदयपुर में, ईसवाल कहां है, उदयपुर। दोस्तों ईसवाल कहां है, उदयपुर। मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे, तांबे के पशु कालीबंगा से, दोहरी सुरक्षात्मक सभ्यता कालीबंगा से, यूनानियों के जो मुद्रा मिली कहां से मिली, बैराट से, बाढ़ के अवशेष कहां से मिले, बाढ़ के अवशेष कहां से मिले, आहड़ सभ्यता से, और ऊंट दांत के अवशेष कहां से मिले, उदयपुर से। दोस्तों कहां से मिले, उदयपुर से मिले। तो ये तो थे कल के क्वेश्चन, अब हम चर्चा कर लेते हैं। जिन बच्चों ने कल का वीडियो नहीं देखा, आज ही देख रहे हैं, तो दोस्तों मैं नॉलेज 1-2 मिनट के लिए कल पढ़ाया उसको रिपीट कर देता हूं, क्योंकि 1 ही मिनट का है। अपनी सभ्यता पढ़ाई थी कल गणेश्वर, कौन सी पढ़ाई थी दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता पढ़ाई थी। दोस्तों गणेश्वर सभ्यता सीकर में है, कातली नदी के किनारे। कल मैंने लिखाया था कातली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियों से। सर किस तहसील में है, आपका क्वेश्चन आए तो ये निमका थाना में है, डिस्ट्रिक्ट सीकर है। सीकर का प्राचीन नाम वीर बान का बांस। दोस्तों ताम्र जननी कहा जाता है गणेश्वर को, क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल से क्या निकल रहा है, तांबा निकाला जा रहा है। खोज किसने की, आरसी अग्रवाल ने, रत्न चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल का पूरा नाम है रत्न चंद्र अग्रवाल। खुदाई में यहां मकाने जो मिले वो किनके बने हुए थे, पत्थरों के। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं मिली, थाली है, गिलास है, कटोरा है, प्याली है, चकड़ा है, बेलन है, फूकनी है, चिमटा है, सारे लिखाए थे आपको। मछली पकड़ने का कांटा मिला, अनुमान लगाया जाता है कांतली नदी कैसी थी, नित्यवाही, साल भर बहने वाली। एक बाणग्रह मिला, किसका बना हुआ था, तांबे का। लोग क्या करते थे, शिकार। शिकार क्यों करते थे, खाने के लिए करते थे, शौक के लिए करते थे, शाकाहारी प्लस मांसाहारी, ये पढ़ाया था दोस्तों कल मैंने। उससे आगे चलते हैं, खंडेला की एक विशेषता और है, वो विशेषता क्या है देखिए दोस्तों, खंडेला की विशेषता है कि यहाँ का गोटा प्रसिद्ध है, खंडेला का एक गोटा प्रसिद्ध है, खंडेला का क्या प्रसिद्ध है, गोटा, खंडेला का गोटा प्रसिद्ध है, गोटा
प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, ये एक कपड़ा है, ये क्या है, कपड़ा है। कपड़ा जानते हो ना, कपड़ा है, जैसे 2 मीटर 3 मीटर का एक कपड़ा ले लिया। अब इस कपड़े के ऊपर, कपड़े के ऊपर आप कलर करते हैं, इसके ऊपर कलर कर दिया और ये बंदेज कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, बंदेज कर दिया। बंदेज करेंगे, जैसे पीला रंग करेंगे तो पीला पोमचा हो गया, पीला पोमचा। इसी सफेद कपड़े के ऊपर हमने रंग किया केसरिया रंग, कौन से रंग किया, तो इसको क्या कहेंगे, केसरिया रंग का पोमचा। इसी के ऊपर यदि हम गुलाबी रंग करें, कौन सा करें दोस्तों, गुलाबी, तो कौन सा पोमचा हो जाएगा, ये गुलाबी रंग का। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछेगा वो सुनो। मैंने कपड़ा लिया, कपड़े के ऊपर मैंने छपाई कर दी, अच्छा क्वेश्चन आ गया, यहां से क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि सर ये जो छपाई करने वाले हैं, ये जो छपाई करते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं, तो इनको जो बनाते हैं, जो रंगते हैं, रंगरेज बोल दो इनको, रंगरेज इसको आप बोल सकते हो, इनको लील गर बोल सकते हो, इनको आप बोल सकते हो बिसाइती, इनको आप क्या बोल सकते हो, बिसाइती बोल सकते हो। ये जो बनाते हैं, ये जो छपाई करते हैं, इनको रंगरेज, लीलगर और नीलगर। अच्छा इसको गांव-गांव में इसको बेच के आते हैं ना, जो जैसे अपने आपने देखा होगा कि गांव में गठड़िया जाता है, गांठ लेके जाता है और जोर जोर से आवाज लगाता है, आपके भी आता होगा, शेखावाटी साइड में ज्यादा आता है, पोमचा ले लो पोमचा, पोमचा ले लो पोमचा। तो एक गांव गांव में जो जाके बेचता है, ये तो हो गया बनाने वाले, और ये हो गए बेचने वाले, तो इसको कहते हैं बिसायती। बेचने वाले को कहते हैं बिसायती, बनाने वाले को कहते हैं रंगरेज, नीलगर लीलगर, ठीक है। अब देखो ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, गोटा पढ़ाता गुरुजी पोमचा क्यों पढ़ाने लग गए, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि गोटा लगाया जाता है पोमचा के चारों ओर। पोमचा हो गया, ये मैंने पोमचा तैयार कर दिया, अब महिलाएं इसको सजाने के लिए, इसमें और जान डालने के लिए वो पोमचा लगा, वो क्या लगाती है, गोटा लगाती है। दोस्तों क्या लगाती है, गोटा लगाती है, ये पूरा गोटा लगाती है, सुनना दोस्तों, ये पूरा गोटा लगाती है, लेकिन इतना सा छोड़ देती है, आप इतना सा छोड़ देती हैं, ये जो छोड़ती है, ये क्यों छोड़ती है, आप सब गांव के हो, मम्मी से पूछना, अपने किसी से भी पूछना, दादी से पूछना कि मम्मी ये पोमचा के जो गोटा लगाते हो, ओढ़नी, ओढ़नी तो जानते हो ना, लुगड़ी, लोग सब जानते हैं, सब गांव के हो, लुगड़ी जो होती है उसके चारों तरफ लगाते हैं। अब काफी तो क्या कहते हैं गुरुजी, टांकने के लिए, टांकते नहीं है उसको, हाँ कि चुभे नहीं, यहाँ पे चुभे नहीं, वो इसलिए छोड़ा जाता है, पीहर का रास्ता होता है, किसका रास्ता छोड़ते हैं ये, अगर इसको पैक कर दे तो कह देते हैं कि पीहर का रास्ता बंद कर दिया, इसलिए महिलाएं इसको यहां से छोड़ देती हैं, इसको छोड़ देती हैं। अब ये गोटा जो लगाते हैं, ये वाला, इसका नाम है गोटे का नाम, यहां लिख दो गोटे का नाम, देखो गोटे का नाम है लप्पा लप्पा लप्पी, गोटे का नाम है किरण बागड़ी, ये गोटे के नाम है, गोटा जानते हो ना गोटा। अब देखो हम पढ़ रहे हैं खंडेला की विशेषता, यहां का गोटा प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है दोस्तों, गोटा, गोटा कौन सा है, गोटे का नाम है लप्पा लप्पी किरण बागड़ी मुकेश, ये गोटा किसके ऊपर लगाते हैं, ओढ़नी के ऊपर लगाते हैं, किसके ऊपर लगाते हैं, ओढ़नी के ऊपर लगाते हैं। अब बात आ गई सर इतना छोड़ा जाता है वो क्यों छोड़ा जाता है, वो पीहर का रास्ता छोड़ा जाता है, क्या छोड़ा जाता है, पीहर का रास्ता, डायरेक्ट एंट्री ले ले अपने घर में, ठीक है, कोई रोक टोक ना हो। अब देखो सर हमने पोमचा तो अनेक प्रकार का देखा है, पीला पोमचा भी होता है, केसरिया रंग का भी होता है, गुलाबी रंग का भी होता है, तो ये कब कैसे कैसे उड़ा जाता है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। ये आया था थर्ड ग्रेड, अगर आप में से किसी ने दिया हो थर्ड ग्रेड 2013 क्वेश्चन आया था, ये थर्ड ग्रेड 2000 में आया था, केसरिया रंग का पोमचा कब उड़ा जाता है। अब इनके अंदर अलग अलग रंग के होते हैं, अब सुनो एक बार फिर से देखो,
गोटे का नाम है लप्पा लपी किरण बागड़ी। और भाई साहब 2007 में ऐसे क्वेश्चन आए थे जो गांव के जो एग्जाम दे रहे थे वो तो करके आ गए, और सिटी वाले जो थे वो देखते के देखते रह गए कि ये क्या हो गया, क्वेश्चन आया लप्पा लपीर जफा जफी। अब देखते ही सिटी वाले का दिमाग खराब, क्योंकि ऑप्शन में आया था प्रेम का एक संबंध है, सिटी वाला क्या देखेगा और आगो ये ले गया काम से, क्योंकि लप्पा लपी तो गोटे का नाम है, तो यहाँ पे दे में आएगा गोटे का एक नाम। ये आया था थर्ड ग्रेड 2007 में लप्पा लपी वाला। उसी समय सूड किसे कहते हैं, अब सिटी वाला क्या जाने यार सूड किसे कहते हैं, सिटी वाले को तो ये कह दे कि सूड कि किसी को सूट करना होगा, नेता नांगड़ा बिलोना चेजारा बलिया चूड़ियों को कहते हैं, ये राजस्थान की शब्दावली है दोस्तों। तो हम कर रहे थे खंडेला का गोटा प्रसिद्ध है, गोटे का नाम है लप्पा लप्पी किरण बागड़ी मुकेश, ये गोटे के नाम है। गोटा किसके ऊपर लगाया जाता है, ओढ़नी के ऊपर लगाया जाता है। ओढ़नी कितने प्रकार की जो फेमस है अपने, वो है गुलाबी रंग केसरिया रंग पीला रंग, इनके ऊपर जो रंग करते हैं जो बनाते हैं इनको रंगरेस लीलगर नीलगर, इनको गांव में जाके बेचते हैं, बेचने वाले को कहते हैं बिसायती। इतना सा रास्ता छोड़ा जाता है, पूरी बाउंड्री नहीं लगाती है, तो पियर का रास्ता छोड़ा जाता है। तो ये तो हो गई अपने गोटे की बात। अब बात आती है अपने कि सर ये तो समझ में आ गया कि गोटा हो गया खंडेला का प्रसिद्ध है, ठीक है, लेकिन ये कब कब ओढ़ा जाता है भाई, पीला पोंचा कब ओढ़ा जाता है, केसरिया रंग का कब ओढ़ा जाता है। ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये खंडेला का प्रसिद्ध है, और खंडेला से एक नदी निकलती है कांतली, और कांतली नदी का उद्गम, कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, गणेश्वर। तो तीन पोंचे लिखे मैंने, पीला पोंचा पीले रंग का, केसरिया रंग का और एक हो गया गुलाबी रंग का। दोस्तों आप शादी में जाते होंगे, हकीकत बता रहा हूं, शादी में कोई जाता है उसका ध्यान जाता ही नहीं है, पता नहीं कहां उनका ध्यान रहता है। हम शादी में जाते तो हैं लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं रहता है, क्योंकि हम तो वहां जाएंगे पहले तो लेट, तो फिर जाते वहां पे अपना पेट पूजा करेंगे और फिर वहां की हरियाली देखने लगेंगे कि वहां की हरियाली कैसी है, ठीक है, वहां के पेड़ पौधे कैसे हैं। सब जानते हैं, सब समझदार बच्चे हो आप, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्योंकि भाग लेते ही नहीं है ढंग से। तो इधर देखो, पीला पोंचा कब ओढ़ा जाता है, लड़के के जन्म पर, ठीक है। केसरिया रंग का कब ओढ़ा जाता है, शादी के समय। और गुलाबी रंग का कब ओढ़ा जाता है, गुलाबी रंग का लड़की के जन्म के समय। देखो तीनों अलग अलग हो गए, क्वेश्चन भी आता है पीला रंग का कब ओढ़ा जाता है, लड़के का जन्म होता है यानी कुआ पूजन जिसे आप बोलते हो। आप कोई कहे गुरुजी हमारे तो भैंस के पाड़ा हुआ है कुआ पूजन करेंगे, तो कुआ पूजन किसी का भी कर सकते हो, लड़की का भी होता है कुआ पूजन, लेकिन लड़की के जन्म पे कौन से रंग का पोंचा ओढ़ा जाता है, गुलाबी। शादी के समय केसरिया, अभी बात आ रही थी शादी की, शादी में केसरिया रंग का पोंचा कहाँ उड़ाया जाता है, ये अपने दरवाजे पे भाई अपनी बहन को, ये भी पीहर पक्ष से आता है, ये भी पीहर पक्ष से आता है, और ये भी पीहर पक्ष से आता है। दोस्तों जहां तक मेरे समझ में आ रहा है, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें अपने सभी दोस्तों को, ताकि सबको घर बैठे, क्योंकि जो कोचिंग में नहीं आ सकते उनको अच्छा प्रॉफिट मिल सके, तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने को शेयर करना है। अब मैं इसके नोट्स बना रहा हूं जो आपको बनाने हैं, ये मैंने समझाने का काम था समझा दिया, अब आपको लिखना है इसको, क्या करेंगे हम अब लिखेंगे इसको एक नोट्स के तौर पे। कल भी मैंने कहा था, आज फिर कह देता हूं, जैसे ही मैं समझाता हूं पहले आपको समझना है, लास्ट में मैं इसके नोट्स पूरे ऐसे कैसे बना के जाऊंगा जो आपको उतारने हैं, सिर्फ ऐसे कैसे। तो देखिए, खंडेला का गोटा प्रसिद्ध है, लप्पा लप्पी किरण बागड़ी मुकेश, ये गोटे के प्रकार है दोस्तों, गोटे के क्या है प्रकार। केसरिया रंग का पोंचा
ये ओडा जाता है शादी पर, शादी पर। ये कब ओडा जाता है? शादी पर ओडा जाता है। कुआं पूजन, या इसको बोल सकते हो जलवा पूजन। इस पे पीले रंग का, कौन से रंग का? पीले रंग का पोमचा ओढ़ा जाता है। जाट महिलाओं की ओढ़नी, जाट महिलाओं की ओढ़नी कौन सा है दोस्तों? पीला पोमचा। बनाने वाले को, जो पोमचा के ऊपर जो छपाई करते हैं ना, बनाने वाले को रंगरेज, लीलगर, नीलगर। बेचने वाले को बिसायती, बेचने वाले को क्या कहते हैं? बिसायती। लड़की के जन्म पर गुलाबी रंग का पोमचा, गुलाबी रंग का पोमचा। देखे दोस्तों, पहले मैंने समझा दिया, अब मैंने आपके नोट्स, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, इसको एक बार देख लीजिए ताकि इसको आराम से अच्छी तरह हम उतार सकें। ठीक है, ये आपके नोट्स हो गए, इसको आपको नोट्सों के रूप में उतारना है। देखिए, खंडेला का प्रसिद्ध है लप्पा लप्पी, समझ में आ गया होगा लप्पे लप्पी क्या है? गोटा है। किरण वागड़ी गोटा है, मुकेश गोटे का नाम है। जाट महिलाओं की ओढ़नी है पीला पोमचा। बनाने वाले को रंगरेज, नीलगर, लीलगर कहते हैं। बेचने वाले को बिसायती कहते हैं। लड़की के जन्म पर गुलाबी रंग का पोमचा ओढ़ा जाता है। कुआ पूजन या जलवा पूजन लड़के का होता है, पीला रंग का ओढ़ा जाता है। शादी के समय केसरिया रंग का। तो दोस्तों, ये आज आपकी गणेश्वर सभ्यता क्या होती है? समाप्त होती है, यानी एक सभ्यता कंप्लीट होती है। कल 5 क्वेश्चन दिए थे, कल मैंने बोले थे दोस्तों, आपसे एक राय ली थी कि मैं ये जो 10 क्वेश्चन लिखा हूं इसमें आपकी क्या राय है। एक भी बच्चे का कमेंट्स क्वेश्चनों के ऊपर नहीं आया। दोस्तों, आज फिर से बोल रहा हूं, आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करने हैं और मुझे बताना है कि ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों के हम क्या, आपकी राय क्या है, लिखाएं कि नहीं लिखाएं, और क्या कमी है वो बताओ आप। कमेंट्स बॉक्स में नीचे कमेंट्स तो लिखना है कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों, मुझे आपसे कुछ सीखने को मिलेगा, आपको मेरे से सीखने को, ऐसे नहीं कि मेरे को सब कुछ आता है, नहीं, मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको क्या चाहिए, उस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँ। मैंने पहले भी ऑनलाइन पढ़ाया था, फिर मैंने छोड़ दिया, अब अपना खुद का चैनल आ गया, तो इस चैनल पे काफ़ी बच्चों की राय आनी चाहिए, क्योंकि अच्छा देख रहे हैं, लाइक भी अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है, तो मुझे पसंद भी कर रहे हैं बच्चे की, सही है। लेकिन मैं एक बार फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक निवेदन करूंगा कि दोस्तों, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स बॉक्स में जो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इसमें क्या कमी करनी चाहिए, क्या वृद्धि करनी चाहिए, ठीक है, आपके 10 क्वेश्चन जो पढ़ाएं ये आप करोगे कि नहीं करोगे, इनके आंसर नीचे आने चाहिए सबके। आप कम से कम 500 बच्चे वीडियो को देख चुके हैं, ठीक है, तो 500 में से कम से कम 500 कमेंट्स होने चाहिए कि हाँ सर, इसके नीचे ये होना चाहिए कि सर इसमें ये कमी है। मैं धीरे धीरे इंडिया हिस्ट्री भी शुरू करूंगा, क्योंकि थोड़े दिन में अब जैसे राजस्थान चल रही है, एक एक वीडियो इंडियन हिस्ट्री के भी शुरू करने वाला हूँ। आपकी मैथ भी क्लास की शुरू होगी, रीजनिंग की क्लास भी शुरू होगी, जनरल साइंस की आपकी चली रही है कंटिन्यू, पॉलिटिकल की आज से शुरू कर देता हूँ, तो क्लासें पूरी मिलेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इस पर देख सकते हो, ठीक है। अब देखो, जो मैं क्वेश्चन आज लिखा रहा हूँ, इसके पूरे के पूरे वादा करना होगा मेरे से कि अगर 600, 700, 1000 अगर बच्चे देखते हैं, तो मैं 500, 600 कमेंट्स देखना चाहता हूँ। मुझे लगना चाहिए कि हाँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ बच्चों के साथ, मुझे पता नहीं है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि पूरे वीडियो को देखना है और ये कमेंट्स देना है कि कैसा आपको लग रहा है, ठीक है। दोस्त, आगे चलते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, वैसे जो लाइव क्लासेस चलती हैं वो भी सुविधा कर रहा हूँ, अब सुविधा तब होगी जब आप मेरा मनोबल बढ़ाओगे, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ठीक है,
इधर देखो, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हाथी दांत के अवशेष कहां से मिले, हाथी दांत के अवशेष कहां से मिले। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा अपना क्वेश्चन रहेगा राजस्थान में प्रथम बार पशुओं के अवशेष कहां से मिले। दोस्तों ये आया था RAS 2013 प्री के अंदर आया था, ये RAS 2013 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है आपका हाथी व कुत्ता पालतू जानवर किस सभ्यता में थे, किस सभ्यता चौथा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा राजस्थान में प्रथम बार पशु पालने की जानकारी कहां से मिली। पांचवा है, पांचवा क्वेश्चन अपना रहेगा बीजक की पहाड़ियां कहां है। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है एग्जाम में, सबको आता है। आज पांच क्वेश्चन लिखूंगा क्योंकि कल कोई जवाब नहीं आया, मुझे लग रहा है शायद आपको शायद ये क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते होंगे। आज कमेंट्स बॉक्स में देना है कि सर पांच नहीं दस करो, मैं दस क्वेश्चन लिखाऊंगा। देखो जितना पढ़ाए उसके साथ क्वेश्चन भी उतने हल करेंगे, तब मजा तभी आएगा। ऐसे क्वेश्चन अधिनेश में निकल के आते हैं जो हवा ही नहीं लगती कि कहां से क्वेश्चन आया। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हाथी दांत के अवशेष कहां से मिले, हाथी दांत के अवशेष कहां से मिले। राजस्थान में प्रथम बार पशुओं के अवशेष कहां से मिले। हाथी व कुत्ता पालतू जानवर किस सभ्यता में थे। राजस्थान में ये देखो प्रथम बार पशुओं के अवशेष है, पशु पालने की जानकारी है, दोनों में बहुत अंतर है दोस्तों, ठीक है। और बीजक की पहाड़ियां कहां है, तो दोस्तों आग लगानी है, चारों तरफ धुआं ही धुआं करना है। अतुल राजस्थान, अतुल राजस्थान, ठीक है, धन्यवाद।